इस शख्स की गोद में जो कुत्ता है उसे इसने अपने घर की सुरक्षा के लिए पाला था, लेकिन इस कुत्ते ने वफादारी दिखाने की जगह इस शख्स से इसकी माँ ही छीन ली। ये मामला लखनऊ के कैसरबाग इलाके का है, जहाँ पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते ब्राउनी के हमले में 80 साल की रिटायर्ड टीचर सुशीला त्रिपाठी की जान चली गई। कुत्ते को महिला का बेटा अमित त्रिपाठी ही घर लेकर आया था, लेकिन महिला कुत्ते को अपने बच्चों की तरह पालती थी। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और टहलाने के लिए भी ले जाती थी, और महिला के प्यार का उनके इस पालतू कुत्ते ने ये सिला दिया। हालांकि अमित ने कुत्ते को अब नगर निगम की टीम के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही अमित ने ये भी बताया कि ये हादसा कब और कैसे हुआ। मेरी छत इतनी बड़ी है, मैं पर्सनली उनके साथ खेलना पसंद करता था, ना कि टहला के कुत्तों को मैं कूड़ा खिलवाऊं। और मैं अपना पूरा टाइम खेलने में उनको देता था, फिजिकल एक्टिविटी कराने। मैं मॉर्निंग पे अपने काम पे गया था, ये मॉर्निंग घटना है, जब मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे जी ट्यूसडे को, जब ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे मेरे नॉलेज में चीज आई तो मैं सब छोड़ छाड़ के आया, तब तक देखा कि मदर के साथ ऐसे हो चुका था। कुत्ते को नगर निगम की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब इसके व्यवहार पर नजर रखी जाएगी, स्टडी की जाएगी। जो पिटबुल डॉग है जिसके बारे में चर्चा चल रही थी अभी, तो उसको हमारी टीम, हमारे वेटनरी अफसर अपने वर्मा जी गए थे, उसको हम लोग पकड़ के ले आए हैं। और ले आने का उद्देश्य यह है कि हम उसके बिहेवियर का स्टडी करेंगे कि क्यों इस तरीके का उसका जो है स्वभाव ऐसा उत्पन्न हुआ कि उसने अपने ही जो खाना पीना देती हैं रोज उनके टच में रहता है उसको खा गया है। तो स्टडी करने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है उसके लिए। हालांकि कुत्ते की स्टडी में अगर कोई बीमारी नहीं निकलती तो उसके लिए भी आगे का प्लान तैयार है। उसको ऐसा कोई तो नहीं कि रैबीज सस्पेक्टेड हो या कैनाइन डिस्टेंपर टाइप का हो कोई डिसीज हो, तो अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है तो उसके बाद हम उसको एडॉप्शन की कार्रवाई करवाएंगे। आपको बता दें कि पिटबुल कुत्ता सबसे आक्रामक कुत्तों में से एक माना जाता है, और तो और दुनिया के 41 देशों में इस कुत्ते को पालने पर बैन लगा हुआ है। पिटबुल कुत्ते के बारे में ये तक कहा जाता है कि वो जब भी किसी पर हमला करता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उन्हें दबोच के दांतों को लॉक कर देता है, जिसको छुड़ा पाना नामुमकिन सा होता है। और शायद यही सुशीला त्रिपाठी के साथ भी हुआ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।